सेल्फ में क्या करती है, डिपेंड करती है, उसके बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्फ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, और उन्होंने एक आइडिया शोध किया, उनकी सोच थी क्या है, उन्होंने ये कहा कि तमाम एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स का आपस में कोई ना कोई क्या है, रिलेशन है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली जिस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। उन्होंने जस्ट हमें ये आइडिया प्रोवाइड किया, ये नहीं बताया कि किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट दे ओनली प्रेजेंट दिस आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिलेटेड। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट। इन 1665 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कोर्क का एक पीस किया, कोर्क होता है ना उसका एक पीस किया, एंड देन उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है एग्जामिन किया। देन उन्होंने ये चीज डिस्कवर की कि उसके अंदर कोर्क के अंदर होनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स मौजूद थे, और उनको कंपार्टमेंट्स क्या थे, एम्प्टी थे, जिनको उन्होंने इसका नाम दिया सेल। का मतलब क्या होता है, सेल्स, और सेल्स बेसिकली जो है वो एम्प्टी ही होते हैं। जस्ट उन्होंने ये बताया कि हनी लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, हनी को कंपार्टमेंट्स हैं जो कि अंदर से बिल्कुल क्या है, एम्प्टी हैं, और उन्होंने उसका नाम दे दिया सेलुलर मीन्स सेल। नेक्स्ट उन्होंने सेल के बारे में और कुछ भी नहीं बताया, जस्ट उन्होंने यही बताया है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटनी वैन लेवेंटोक। उन्होंने जो है टिनी ऑर्गेनिजम्स को जो है लिया, और जो है अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने उसको एग्जामिन किया। टिनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और फोन्स वगैरह में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, एंड ने बताया कि ये हमारे पास क्या है, एनिमल किंग्स है, और इसके बारे में मजीद उन्होंने आगे नहीं बताया कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1809 में जेन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है, जिन्होंने बताया कि अगर कोई भी लाइफ जो है सेल्स और टिश्यूज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर। लाइफ के कोई भी अगर हमारे पास लाइफ मौजूद है, ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जब तक उसके अंदर सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होंगे, वो लिव नहीं करेगी, वो लाइव नहीं करेगी, वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये हमें जेन बैप्टिस्ट ने इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने जो है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये आपने याद रखना है, रॉबर्ट ने जो है सेलुलर के बारे में बताया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ना सेल के बारे में डिस्कस किया, दोनों जो है मिक्सअप ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास डॉल पिस्टू है 1855 में, उन्होंने जो है हमें जो है इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी बताई थी। सेल थ्योरी की एक्सटेंशन के बाद लाइक कि अगर हमारे पास तमाम सेल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, प्री एग्जिस्ट, मतलब कि पिछले सेल से उसका कोई ना कोई रिलेशन है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कई न्यू सेल जो है आगे बनते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट है 1861 लोअर्स पास्टर ने जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है प्रूफ प्रोवाइड किया था। तो ये हमारे पास हिस्ट्री थी सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने की, लाइक ये सारे साइंटिस्ट हैं जो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पेश किए हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आती है सेल थ्योरी, और वो बेसिकली तीन फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है, और क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स मुझे ला सकते हैं, ये तीन है, और आपने एज इट इज सेम इसको करना है। फर्स्ट है हमारे पास ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा सेल्स में क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। ये हम डे वन से जब से हमने बायोलॉजी स्टार्ट किए, मैंने आपको यही बताया है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। लाइक मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर वाली बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ।